आज से तकरीबन 2 साल पहले शी कन्विंस्ड मी कि अब बहुत हो गया है, अब हमारी बच्चियां यूनिवर्सिटी गोइंग हो गई हैं, बच्चे भी इंडिपेंडेंट हो गए, बेटा भी बड़ा सवाय अली के, जो अली के अली 6 साल का है, उसने हमारी जिंदगी और वो सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट है। आप जितने आप लोग जिक्र करते हैं ना अजाब अजाब, उसने बड़े होके ना ये सारी वीडियोस इकट्ठी करनी है। आपने आपको एक मजे की बात बताऊं कि हमने नीचे वाला पोर्शन अपने घर का ना गेस्ट के लिए रखा हुआ है। वी हैव टू बेडरूम्स, लोअर पोर्शन ड्राइंग है, डाइनिंग है, सही है, और टीवी लाउंज है, तो हमने गेस्ट के लिए रखा हुआ। हम ऊपर रहते हैं तो ऊपर 3 बेडरूम है। अब उस भाई साहब ने, 6 साल का बच्चा है, पिछले 1 महीने से जिद लगाई हुई है कि मुझे ऊपर। मैंने कहा अगर तुम्हें इंडिपेंडेंट कमरा चाहिए तो तुम नीचे वाले कमरे में जाके ले लो। एक कहता है नहीं, रहना ऊपर सारों के साथ है और इंडिपेंडेंट कमरा चाहिए बाकी बहन भाइयों के साथ तो मुझे या अच्छा जो टेरेस है उस पर बना के दें, या गैराज की छत पर बना के दें, या जो नीट किचन है उसको के कमरे में कन्वर्ट कर दे। तो मैंने एक दिन बैठे हुए ना, दोनों लॉन में बैठे हुए, तो मैंने कहा वैसे अली तुम्हें कमरे की जरूरत क्या है? कभी तुम बहन बहनों के साथ सो जाते हो, कभी हमजा के बड़े भाई के साथ, कभी हमारे साथ, तुम्हें जरूरत क्या है? कहता यार इंडिपेंडेंस भी कुछ चीज है। 6 साल का बच्चा और उसकी आपसे दोस्ती थी? बहुत ज्यादा, मेरा उससे बहुत ज्यादा प्यार है, मतलब इज द ओनली वन। मतलब मैं तो खैर अल्लाह का शुक्र है, जब बच्चे, मैं वेरी ब्लेस्ड के बच्चे बहुत सॉर्टेड। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी बेटियां कभी कोई फरमाइश करें। मतलब बड़ी बेटी 19 साल की है, छोटी 18 साल की है, उन्होंने आज तक होता ना कोई बर्थडे हो तो फरमाइश की, मैं उन्हें कहता हूँ कोई चीज मांग लो, फोन को मतलब चेंज कर लो। कहती बाबा हमारे पास इतनी चीजें अलमारी भरी पड़ी है, हमें कुछ नहीं चाहिए। आई एम सो ब्लेस्ड। तो ये जो है ना ब्लैकमेलर है अली, ये बेचारा छोटा सा, आपके बाकी बच्चे बहुत ज्यादा सॉर्टेड है, वो उसके अंदर हमारी तरह का एक बच्चा है जो थोड़े पास फरमाइश है, सबकी कसर पूरी कर दी है। उसने सबकी कसर पूरी कर दी है, उसे पता है कि मैंने बाप को किस वक्त ब्लैकमेल करना है। गेस्ट आज बैठे होंगे, कान में आके कहेगा अल्लाह यार अंकल से फौरन के मुझे कोक दे। ही नोस। आई थिंक जब इंटेलिजेंस आपके अंदर बहुत ज्यादा होना, वो नॉटीनेस उन बच्चों का टू शार्प। अब मैं कल रात का आपको किस्सा सुनाता हूँ कि कल घर पे कुछ गेस्ट आ रहे थे, तो फॉर्मल से हमने एक डिनर किया हुआ था, तो और बच्चे भी आए हुए थे, मेरी भांजी के बच्चे आए हुए थे, तो मेरा जो स्टाफ अफसर अशीज, उसको मैंने कहा कि इनको ले जाओ तो 2-3 घंटे ना कहीं वंडर एंटरटेन करो, बाय डिनर शिनर करा देना। तो वो शीज मुझे आज सुबह बता रहा था, कहता सर 2 घंटे हो गए खेलते हुए, तो मैंने कहा अली बाबा आप थक गए हैं तो कहीं जाके कोई बर्गर शर्गर ना खा लें। कहता शीज अंकल मैं आपको 3री दफा और आखिरी दफा वार्न कर रहा हूँ, आप बहुत इंटरफेयर कर रहे सर। वैसे एक बात है कि वो अक्सर कहते हैं ना कि अफसर से बड़े अफसर, उसकी वजह से आपकी तो बेगम साहब बहुत ही सॉफ्ट है, वरना अक्सर कहते हैं बच्चे आपका बेटा माशाल्लाह जो है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो बहुत तमीज और तहजीब में रहे कि अंकल कह के बात करते हैं या चाचू कह के बात करते हैं। इसकी खैर मेरा ख्याल है वजह ये है कि उसने पेरेंट्स को देखा होगा। आप लोग अपने स्टाफ को कैसे दीजिए, हमारे घर में जो स्वीपर है उसे भी अंकल कह के प्लीज कह के बात करेंगे, थैंक यू कहेंगे, अंकल कहेंगे। आई रिमेंबर आई वेंट टू केड कॉलेज, तो हमें जो मैं जी केड कॉलेज अच्छा, सो वहाँ पर हमें याद है कि जो आपका जेनिटोरियल स्टाफ था उसको हम चाचा कहते थे, चाचा कहते, और मेस के स्टाफ को जो है ना हमने मुखा। अब आप मतलब बताया ना, आप एक इंसान को आप चाचा कह रहे हैं तो आप उसको गुस्सा तो नहीं कर सकते ना? बिल्कुल, आप उसको बदतमीजी से तो फिर नहीं मुखा। नहीं, नहीं, माशाल्लाह वी आर वेरी ब्लेस्ड के हमारे बच्चों में बिल्कुल वो चीज है ही नहीं। बिल्कुल, और हमारे तो इतने बच्चे बेचारे स्वीट हैं, स्पेशली बेटियां। अल्लाह यार हमारा कोक है ना जो पिछले कोई 12-14 साल से हमारे साथ है, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही माशाल्लाह नेक इंसान है। अब ना उसका घर पे इतना होल्ड है कि बच्चे अगर बेटियां दूसरी या तीसरी दफा कहना कि अले यार अंकल चाय मिल जाएगी प्लीज, कहते हैं मुड़ कोई टाइम नहीं चाहिएगा, और वो बेचारी डर के चुप हो जाती है। आई थिंक वो उसने बच्चों को अपने सामने ग्रो होते हुए, नहीं वो ही इज हेल्थ कॉन्शियस के ना कि 2-3 दफा दिन में चाय नहीं पीनी चाहिए, तो वो है जानकर रहने वाला है, ज्यादातर पंजाबी बोलता है, मतलब मुड़े कुछ टाइम वो अच्छी कहती है अच्छा अंकल।